हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, नया क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए दिखाता हूं। यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अब इन सारे नंबर्स का टोटल हमको यहां पे चाहिए। ऐसे देखा नहीं होगा आपने, बीच में टोटल कैसे करेंगे, तो बीच में जैसे ही आप टोटल करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने सम का फॉर्मूला और यहाँ पर ये टोटल हम कर रहे हैं। सम का फॉर्मूला लगा करके ही हमें टोटल करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया और यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक एरर दे देगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप यहां पर जाइए और यहां पर इज इक्वल टू लिखिए, ठीक है, और एक एक को ले लीजिए, एक एक को करके लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर इसको लीजिए, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये ऐसे हो तो जाएगा लेकिन काफी ज्यादा ये टाइम टेकिंग होगा। तो अच्छा क्या है, कैसे ये होगा, सम का फॉर्मूला लगाकर हो नहीं रहा है, ऑटो सम आप कर नहीं पाएंगे और एक एक करके बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कैसे होगा ये, तो देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला बार में, ये देखिए ये पेज लेआउट है, फिर यहां पे फॉर्मूला बार है, तो ये फॉर्मूला बार में आप चले जाइए और यहां पर कैलकुलेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, कैलकुलेशन ऑप्शन। यहां पर जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक है, ठीक है, यहां पर आप इसे मैनुअल कर दीजिए, मैनुअल कर दिया। अब यहां पर आते हैं, अब इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर सम लिखते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर इस पूरे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया और अब एंटर प्रेस करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं इन सबका टोटल यहां पर होके आ चुका है। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।